दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? होप सब बड़े होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों तो करते हैं एक अपने नए ब्लॉग की शुरुआत इन खूबसूरत कोहरे से। अभी दोस्तों हम जा रहे हैं देवठों की, वहाँ पर ये मेरा दूसरा है, दूसरी बार जा रहा हूँ इस साल में। और वहाँ भैया लोग जा रहे थे गोगना से, उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलना है, तो मैं जा रहा हूँ। वो तो पहुँच गए ऊपर और मैं अभी अपने गाँव से निकल रहा हूँ। और आज देखिए कितना भयंकर कोहरा लगा है, सुबह से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, उसके बाद भयंकर सा कोहरा लग गया है। पहली बार ऐसे उसमें जा रहा हूँ मैं ठोकी कि चारों तरफ कोहरा हो, और बरसात के टाइम पे तो पहली बार जा रहा हूँ। चलते हैं दोस्तों। और वो तो काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं, वो तो ऊपर वाला रास्ते जा रहे हैं, और यहाँ से मेरे साथ में अभी कोई नहीं है, मैं जा रहा हूँ अकेले। देख सकते हो यार आप क्या खतरनाक सा कोहरा लगा है चारों तरफ, और बीच से रास्ता दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। तो चलो करते हैं इसी के साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत, जय माँ दिवठों की। और इस खूबसूरत सफर को एंजॉय करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। आज तो बहुत मस्त सा मौसम हो रखा है कोहरे का, तो दिखाएंगे। इस दिन तो काफ़ी ज़्यादा हो गई होगी चढ़ाई चढ़ने में भी, और नीचे आने में ही काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, तो क्या करें, चलना तो पड़ेगा ही। मैं अभी स्पीड जा रहा हूँ तो थोड़ा सांस भी फूल लिया चढ़ने में। और मेरे से चारों तरफ 20 मीटर के एरिया पे मुझे बस थोड़ा सा दिख रहा है, और 20 मीटर से आगे पूरा कोहरे से ढका है। वहाँ चलने में अच्छी सी वेव आ रही है, ठंडा ठंडा सा मौसम हो रखा है, और के साथ चल रहे हैं हम भी सफर के साथ। और आज मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहली बार ऐसे उसमें जा रहे हैं हम कि बरसात के टाइम पे पूरा चारों तरफ कोहरा हो और उसमें हम मंदिर जाएं। तो मैंने तो गिम्बल ले जा रखा है ट्राईपॉड, और थोड़ा साफ होगा तो आपको टाइम लेस इंजॉय कराएंगे थोड़ा बहुत वहाँ से, तो मस्त नज़ारा होगा, देखते हैं फिर। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और मेरे साथ इस जंगल में अभी कोई नहीं है, थोड़ा बहुत पक्षियों की आवाज़ आ रही है, बस सुनसान सा भी माहौल हो रखा है। एक दो दिन के बरसात के बाद जो हमारे गांव के जो नदियों गदेरों में पानी भी बढ़ चुका है, और ये देखिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा आजकल जो गदेरों में पानी हो गया है। बारिश नहीं आनी चाहिए यार, नहीं तो मैं तो छाता भी लेना भूल गया मैं घर से। और मौसम देख सकते हो आप लोग, अगर बारिश आई तो पूरा मतलब खाना बनाने में भी दिक्कत आ जाएगी फिर, और चलने में भी दिक्कत आएगी। छाता तो लेना ही भूल गया मैं, सिट यार। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं यहां पर, फेस पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा पसीना हो चुकी है, और यहाँ तो अभी लोग नहीं आए हैं, चौमास के टाइम पे आ जाते हैं, पर यहाँ के घर सारे टूट रखे हैं, तो इस बार कम चांस है कि लोग यहाँ आएंगे। देख सकते हो यहाँ के घर कोहरे से तो दिख भी नहीं रहा है, यहाँ तो भयंकर तरीके से कोहरा लगा है। आगे के पहाड़ कुछ नहीं दिख रहे हैं, सामने तरफ कुछ नहीं, बस वाइट कोहरा है और कुछ नहीं। यहाँ से अब जो जंगल रास्ता शुरू हो चुका है, ये देख सकते हो इस साइड को जंगल और इस साइड को भी जंगल, अभी इससे रास्ता। हम जितना ऊपर ऊपर को चढ़ रहे हैं उतने जो चीड़ के पेड़ हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और बांस बांस के पेड़ हमें ज़्यादा मिल रहे हैं। देख सकते हो कोहरे में दोस्तों साफ नहीं आ रही होगी वीडियो, क्या कर सकते थे। और यहाँ पर देखिए ये रखी है काली वाली हिसोल, ये वाली दिख रही होगी आपको। तो चलते हैं, कोई तो ऊपर पहुँच चुका है, उनके साथ चलते हैं आगे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ से कितना ज़्यादा अंधेरा हो रखा है, और यहाँ पर आज जंगली जानवरों का खतरा भी है। और मेरे साथ जा रहे हैं ताना और इंदर भाई, ये दो मिले मुझे,
उनके साथ जा रहे हैं और बारिश भी आ रही है। ये हमारे अभी हम पहुंच चुके हैं इस जगह पे और ये है, यहाँ पर एक छोटा सा फील्ड जैसा है और ये हैं गोगना के लोग और यहाँ चढ़ना है ऊपर को, पूरा कोहरा लगा है अभी तो। मैं और इंदर भाई जा रहे हैं यहाँ इस रास्तों से, बस दो ही हैं और सारे पीछे आ रहे हैं और दोनों लगे हैं अभी इस सुनसान जंगल के बीचों से। देख सकते हो आप लोग थोड़ा वो तो थोड़ा रास्ता सही बन रखा है, जाने में दिक्कत नहीं हो रही पर फिसलन काफ़ी ज़्यादा हो रही है और यहाँ तो इतना ज़्यादा अंधेरा हो रखा है कोहरे से, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, बस 20 मीटर के एरिया पे दिख रहा है और वहाँ से फिर आई कुछ नहीं। और थोड़ा बहुत तो बारिश भी आ रही है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है। तो अभी हमें मिला है मशरूम, ये देख सकते हो ये बरसात के टाइम पे होता है और ये हमें मिला नीचे पे, देख कितना मस्त हो रखा है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर और यहाँ तो पूरा लगा है, यहाँ से थोड़ा हिमालय भी दिखता है पर कोहरे से कुछ नहीं दिख रहा है इस साइड भी। और अभी तो हम तीन हैं यहाँ पर बस और नीचे आ रहे हैं अभी लोग, उनका वेट करते हैं यहाँ पर और फिर देखते हैं यहाँ फिर चलेंगे ऊपर को। तो अभी हम पहुंच चुके हैं इस जगह पे और अभी बारिश आनी शुरू हो गई है और इतनी ज़्यादा फिसलन हो गई है, पैरों के हाल देख सकते हो पूरे ख़राब हो चुके हैं और यहाँ देख सकते हो अभी यहाँ का माहौल बरसात से। तो दोस्तों अभी यहाँ पर बन रहा है खाना, तो चलते हैं अभी मंदिर के लिए जय माता दी की और चलते हैं दोस्तों आपको भी मंदिर के दर्शन कराते हैं। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा हरियाली हो चुकी है यहाँ देख सकते हो, आज तो थोड़ा मौसम ख़राब है, चारों तरफ कोहरा लगा है तो थोड़ा टाइमलेस वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत आएगी और चलते हैं यहाँ से।
वो तो क्या मस्त नज़ारा लग रहा है, ये देख सकते हो। देखिए दोस्तों चारों तरफ कोहरा लगा है और कितना मस्त दिख रहा है यहाँ से, ऊपर को उठ रहा है कोहरा यहाँ से। तो अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर में और बायसनी शुरू हो गई है और यहाँ पर अभी पूजा का कार्यक्रम शुरू होगा। और यहाँ से आप व्यू देख सकते हो, चारों तरफ कोहरा लगा है। हाँ दोस्तों इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है यहाँ का, चारों तरफ कोहरा लग रहा है, वीडियो भी अच्छे से नहीं बन रही है, थोड़ा बहुत बनी है अच्छी, और पूरा मतलब मौसम का जो पूरा जो वीडियो का जो क्वालिटी थी वो भी पूरी ख़राब हो जा रही है। और अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ झंडा लेने के लिए। हाँ तो बस सभी लोग अभी खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी पूजा हो चुकी है और सब अभी मंदिर में है, देख सकते हो। तो अभी पूजा हो चुकी है ख़त्म, अब चलते हैं खाना खाने के लिए। तो अभी खाना हो चुका है और यहाँ पर खा रहे हैं अभी सभी लोग जो खाना बांट रहे थे। तो दोस्तों वहाँ पर खा रहे हैं अभी खाना और यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी गुफा है, देख सकते हो ऊपर नीचे तक है। जब आप मंदिर आओ तो वहाँ से आप इधर आ सकते हो और यहाँ से यहीं पर है ये गुफा देखने के लिए। दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं मंदिर से और लोगों ने देखे यहाँ घास काट रखा है लोगों ने, इतने दूर से ले जा रहे हैं घर के लिए। तो यहाँ से इतनी ज़्यादा फिसल बढ़ चुकी है, जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है और लोग देख कैसे आ रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं लिमड़े लेने के लिए। लिमड़े दोस्तों एक पहाड़ी सब्जी होती है और ये जंगलों में पाई जाती है, तो अभी उसको लेने के लिए अभी हम जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हो रुके हैं लिमड़े, ये हैं दोस्तों यहाँ पर ले रहे हैं लिमड़े और मैंने भी इतने सारे निकाल दिए हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर निकाल रहे हैं लिमड़े, ये देखिए यहाँ बहुत पूरे
यहाँ पर लिमड़े हो रखे थे, मतलब सबने तोड़ दिए हैं। ये होते हैं लिमड़े, अभी तो छोटे हो रखे हैं ये वाले, और जो बड़े बड़े होते हैं उनको तो निकाल दिया है। यह दोस्तों खूबसूरत सा बुग्याल, और यहाँ पर होते हैं काफ़ी ज़्यादा लिमुड़े। ये देख सकते हो अभी सभी लोग निकाल रहे हैं और मैंने रख दिए हैं आधा, और कुछ इस प्रकार से होते हैं ये। तो अभी लिमुड़े लेके आ चुके हैं, और यहाँ से रास्ता देख सकते हो आप लोग, अंधेरा वाला हो रखा है और सब जा रखे हैं अभी झाड़ू लेने के लिए, और हम तो जा रहे हैं सीधा घर। और जो गोगना के लोग हैं वो जा रखे हैं झाड़ू लेने के लिए नीचे साइड को, तो हमें तो लेट हो रही है, तो हम चलते हैं सीधा घर। तो चलते हैं यहाँ से घर के लिए, सभी लोग जा चुके हैं आगे और हम भी अभी जा रहे हैं घर के लिए। तो अभी हम पहुँच चुके हैं काफ़ी नीचे, और यहाँ से देख सकते हो रास्ता पानी को ऐसे कितना ज़्यादा ख़राब हो रखा है नीचे तक। चलते हैं यहाँ से नीचे, और आधे तो चले गए हैं और लोग तो अभी पीछे ही हैं, और हम तो निकल चुके हैं सीधा घर के लिए। रास्ता देखिए आप, पानी का ना कैसा हो रखा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, जो हमारे गांव के ठीक ऊपर बैठे हैं अभी और लोगों का वेट कर रहे हैं यहाँ पर, मैं और इंदर भाई हैं। तो देखते हैं कब तक आते हैं लोग, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी हम जा रहे हैं खूबसूरत यहाँ रास्ते से, और इस तरफ पूरा चीड़ का जंगल है, और यहाँ पर है माँ भगवती का पुराना मंदिर, जय माँ भगवती, ये मंदिर है दोस्तों। और इस मंदिर के बारे में मैंने जो हमारे पुरानी वीडियो में बता रखा है, तो आप उसको देख सकते हो। और चलते हैं यहाँ से, यहाँ का खूबसूरत व्यू देख सकते हो चारों तरफ का। चलते हैं यहाँ से भक्ति आने की। तो अभी देखिए हम पहुंच चुके हैं धार में, चारों तरफ देखिए आप बुग्याल है ये, और यहाँ पर देख सकते हो कितना खूबसूरत बुग्याल है ये। और यहाँ पर है जो जानवरों को पानी पीने के लिए यहाँ पर एक तालाब बना रखा है, देख सकते हो कितना मस्त है। और घास भी देखिए कितनी हरी हो रखी है, एकदम सॉफ्ट सा यहाँ पर मौसम है, और यहाँ के जो खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो आप लोग। तो अभी सभी लोग आ चुके हैं और यहाँ पर बैठे हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अपने गांव के जस्ट ऊपर, और ये नीचे दिखाते हैं मैं आपको, ये है हमारे गांव की रोड, और ये नीचे है हमारा खूबसूरत सा गांव, और ये देख सकते हो यहाँ से चारों तरफ का व्यू। और यहाँ पर है एक तालाब, आप देख रहे हैं ये है दोस्तों तालाब, ये जो आपको हर धार के नीचे पे ऐसे तालाब मिल जाएंगे, जो गाय बकरियों भैंसों को जो पानी पीने के लिए ऐसे तालाब बनाए गए हैं। तो दोस्तों अभी मैं निकल चुका हूँ अपने घर के लिए, और जो गोगना के लोग थे वो निकल चुके हैं ऊपर रास्ते से, और ये हमारा गांव, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो करते हैं दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। ब्लॉग में दोस्तों कुछ खास आज दिखा नहीं, क्योंकि मैंने तो गिम्बल ले जा रखे थे सिनेमैटिक के लिए, पर कुछ वहाँ पर कोहरा इतना ज़्यादा लगा था कि कुछ वीडियो कुछ बनी नहीं खास। और तो करते हैं दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।